उत्तर प्रदेश के बलिया के जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कैदी की मौत से जेल प्रशासन में खलबली मची हुई है। इसी एक्ट में एक साल बंद रामजी पांडे की मौत के बाद जेल के अंदर कैदियों ने जमकर हंगामा मचाया और पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कर मृतक कैदी के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। जेलर ने कहा पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। सतावर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में रहने वाला कैदी के परिजनों की माने तो वह कल ही जेल में अपने चाचा से मिलकर आए थे। वह बिल्कुल ठीक थे, मगर आज सुबह किसी ने फोन करके बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं जेल प्रशासन की माने तो कैदी की कल शाम को तबीयत खराब हुई थी और उसे रात भर जेल अस्पताल में इलाज किया गया और उस दौरान वे ठीक थे, मगर आज सुबह कुछ कैदियों ने शिकायत की कि वे बेहोश हो गए हैं, जहां उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनके पहुंचते ही मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर उनके साथ के कैदी काफी आक्रोशित थे और मामले की जांच कर कार्रवाई कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं मामले की अभी जांच कराई जा रही है और मांग को लेकर जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। हॉस्पिटल में हमारे घर यही हॉस्पिटल से एक लोग देखे थे हमारे चाचा को कि आए हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए सुबह सुबह। वो फ़ोन कर दिए कि घर पे हमें बताए फ़ोन करके कि आपके चाचा यहाँ आए हैं, उनका तबीयत ख़राब है और जिला कारागार में ही बलिया पे थे वो 17 मई 2018 से। और कल हम उनसे मिलने गए थे तो दोपहर में वो बता रहे थे कि रात को बुखार आया था, यहाँ का डॉक्टर बोला है शाम को आएगा चेकअप करेगा और फिलहाल अच्छे से बैठे थे, बात उत किए हमसे। उसके बाद हम बोले कि ठीक है शाम को चेक करा लीजिएगा बुखार जब आया है तो बोले कि हाँ ठीक है करा लेंगे। उसके बाद हम घर चले गए, फिर आज सुबह में फ़ोन मतलब यहाँ से एक लड़का हमको किया था, यहीं पर देखा था हमको जिले से या कारागार से कोई हमें सूचना भी नहीं दिया था कि उनका तबीयत खराब है या नहीं। यहाँ आए तो देखे तो क्या तो डेड हो गया उनका। रामजी पांडे नाम था उनका, वो राशन कोटेदार थे वो, तो वही कुछ ग्राम प्रधान सब मिल के राजनीतिक षड्यंत्र करके सब लोग उनको फंसा दिए थे और यही उनको जेल में वो सस्पेंड हो गए थे। ये बंदी हमारे यहाँ पिछले महीने की 17 तारीख को आए हुए थे, इसी एक्ट के बंदी थे ये, खाद्य वस्तु अधिनियम 1955 का जो है उसके अंतर्गत ही आए थे और इनकी उम्र लगभग 50 साल थी। उसके बाद इनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड हमारे पास आया नहीं था, दिखने में स्वस्थ आदमी थे। कल रात में शाम करीब 8 बजे के आसपास इनको अचानक से कुछ घबराहट की इन्होंने शिकायत की, तो जेल में जो हमारे रेसिडेंशियल डॉक्टर हैं उन्होंने इनको अटेंड किया। चेक करने पे ये पाया कि इनका बीपी बढ़ा हुआ था, लगभग 170 के आसपास इनका बीपी था और उन्होंने डॉक्टर साहब ने इनको फिर बीपी की दवा दी। इन्होंने ये बताया कि हाँ उनको आराम हो गया है, फिर भी डॉक्टर साहब ने प्रिकॉशन के लिए इनको बैरक से निकाल के जिला अस्पताल ये जेल के हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया और रात भर ये वहाँ ऑब्जर्वेशन में थे। हॉस्पिटल में लोगों ने बताया कि हाँ इनकी रात भर स्थिति ठीक रही है। सुबह 6 बजे जेल खुली, उसके बाद भी इनकी स्थिति में सामान्य ही कही जा सकती है, लेकिन सुबह सुबह इन्होंने कोई दर्द